नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं लाइफ में जहां भी पांव रखूं मुझे सफलता मिले। जब आपको अपने काम में सफलता मिलती है, विजय हासिल करते हो जब आप किसी भी काम में, तो अपने आप ही आपका मनोबल बढ़ने लग जाता है, जिंदगी में खुशियां आने लग जाती है, आपका मान सम्मान बढ़ने लग जाता है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कामों में सफलता हासिल करना चाहते हैं। आज दोस्तों, मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आप जहाँ भी पांव रखेंगे आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके चरण चूमेगी। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में इस चीज़ को शेयर किया है कि हमारे आसपास ही वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें सफलता दिलाती हैं। हमारे आसपास लगे पेड़ पौधे, किचन में रखी हुई चीज़ वस्तुएं और भी ढेर सारी चीज़ें ऐसी दोस्तों जो हमें सफलता दिलाती है। बस हमें उनका यूज़ करना है सही समय पर, सही जगह पर। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में दोस्तों जो असंभव हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वे हमेशा हमेशा इस चीज में बिलीव करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। और ये हकीकत है दोस्तों, असंभव जैसा शब्द अपनी डिक्शनरी में रखे ही नहीं तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। वैसे मैं अभी आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि वो कौन सा उपाय है। वैसे तो दोस्तों ढेरों उपाय हैं और हर उपाय अपनी जगह मायने रखता है। कुछ लोग बीच में अभी ये कुछ कमेंट्स की, हाँ मैं मैडम ये प्रयत्न करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जिसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है प्लीज़ वे उस क्रिया को रिपीट करें। कमेंट बॉक्स में देखें कितने ही लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। उनके घर बस गए, उन्हें नौकरी मिल गई और अच्छी अच्छी जगह शिफ्ट हो गई, अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए और उनकी ज़िंदगी संवर गई उन्हीं उपायों से, जिन उपायों को करने के बाद कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं बिल्कुल फैक्ट बात बोलने की आदी हूँ और मैं बिल्कुल सही बात बोलूँगी। हर उपाय अपनी जगह पूरा पूरा महत्व रखता है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बस आप इस चीज़ को देखें कि कहीं आप करने में कोई फॉल्ट तो नहीं कर देते हैं, कहीं आपके अंदर की पॉजिटिविटी डाउटफुल तो नहीं होती है। अपने अंदर ढूंढें कहाँ है वो तकलीफ जो आपकी क्रिया को सफल नहीं होने दे रही है। जिस तरीके से मैं बताती हूँ इस तरीके से दोस्तों आप उपाय को करके देखें। दोस्तों, यदि एक बार में आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं हुआ है तो उसको दूसरी बार करें। मैं तो यूं कहूंगी उसको तब तक करें जब तक आपका काम हो नहीं जाता है। काम को अपने आप होना पड़ेगा क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि इस काम को मुझे करना ही करना है, है ना। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहां किसका भला हो जाए, तो शेयर अवश्य ही करें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर तीन दोस्तों ऐसी जड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको धारण करने मात्र से आपकी लाइफ में सफलता ही सफलता आ जाती है। यूं तो इनमें से कोई एक आप धारण करेंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इन तीनों को यदि आप कंबाइन करते हैं और आप धारण कर लेते हैं तो सफलता आपके पास दौड़ती हुई आएगी, आपको खोजते हुए आएगी। मैं यूं कहूंगी कि सफलता आपके चरण चूमेगी, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो है दोस्तों अनार की जड़। दोस्तों, मैंने
पहले भी बताया है कि अनार का पौधा बहुत ही चमत्कारी पौधा होता है। अनार का पंचांग आप जहाँ रखेंगे, जो सोचकर आप इस क्रिया का यूज करते हैं, उस क्रिया में आपको सफलता मिलती है। अनार का पौधा जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी आती ही आती है। दरवाजे पर यदि आप अनार का पौधा लगाते हैं तो कर्जा आपके ऊपर से उतरने लगता है, एक एक रुपए का कर्जा उतर जाता है यदि अनार का पौधा आपके दरवाजे पर लगा हुआ है। आज दोस्तों आपको बता दूं को आपको लेना है अनार की जड़, और ये दोस्तों आपको लेनी है ज्येष्ठा नक्षत्र में। कब? ज्येष्ठा नक्षत्र में आपको इसे धारण करना है। जिस दिन भी जब भी आपको इसे धारण करना हो, उसके एक दिन पहले आप न्योता दे करके आ जाएं, अनार के पौधे के पास जाएं और न्योता दे दें कि कल मैं आपकी जड़ लेने के लिए आऊँगा या आऊँगी, आपको मेरे साथ चलना होगा और मुझे आशीर्वाद देने होंगे कि हर काम में मुझे विजय मिले, सफलता मिले। और उसके बाद दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र में आपको इस पौधे की जड़ लेकर के आना है अपने घर में और इसे धो करके रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों इस जड़ को आपको अपने पूजा स्थान में रखना है। पूजा स्थान में रख करके आपको इसमें धूप दीप वगैरह दिखा देना है, ठीक है। कुमकुम, हल्दी, चावल वगैरह चढ़ा देना है और इसको आपको सिद्ध कर लेना है, ठीक है। और रेड कलर के कपड़े में इसको रैप करके आपको अपने राइट हैंड में बांध लेना है। क्या करना है? रेड कलर के कपड़े में रैप करके आपको इसको अपने राइट हैंड में बांध लेना है। दूसरा उपाय है दोस्तों खजूर का बांदा। खजूर का बांदा यदि आपको कहीं से मिलता है तो आपको उसे भी एक दिन पहले न्योता दे करके आना है, और इस खजूर के बांधे को आपको धारण करना है मूल नक्षत्र में। कब? मूल नक्षत्र में आपको इसको धारण करना है। तो मूल नक्षत्र जिस दिन भी हो उसके एक दिन पहले आपको इस बांधे को न्योता दे करके आ जाना है कि कल मैं आपको लेने के लिए आऊँगा और आपको मेरे साथ चलना होगा, मुझे हर काम में सफलता दिलानी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको मूल नक्षत्र में इस बांधे को अपने घर पर ले आना है, पानी से धो करके स्वच्छ कर लेना है, पूजा स्थान में रख करके इसे धूप दीप दिखा देना है। दिखा करके इसको पीले कपड़े में रैप करके आपको अपने हाथ में राइट हैंड में बांध लेना है। यदि कोई महिला इसे करती है तो अपने लेफ्ट हैंड में बांधे। जो भी क्रियाएँ हैं यदि महिलाएँ करती हैं तो उसे लेफ्ट हैंड में बांधे, और यदि पुरुष करते हैं तो उसे राइट हैंड में बांधे, ठीक है। तीसरा उपाय दोस्तों आपको लेना है पूर्वा। पूर्वा का बांदा। पूर्वा का बांदा दोस्तों आपको पहनना होगा पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में। जहां पर भी दोस्तों पूर्वा का बांदा है, पूर्वा का पौधा भी बहुत ही चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी है। और इसका यदि आपको बांदा मिलता है तो आपको इसको ले लेना है, और इसको आपको पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में यदि आप इसको धारण करते हैं तो दोस्तों जहां भी आप कदम रखेंगे सफलता आपके चरण चूमेगी, माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और ये तीनों ही चीजों को यदि पूर्वा का भी आप बांदा धारण करते तो उसे भी आप लाल रंग के कपड़े में रैप करके धारण करें, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि ये तीनों ही चीज़ें आपको मिल जाएं तो तीनों ही चीज़ों को यदि आप कंबाइन कर लें और लाल कपड़े में रैप करके आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र में धारण कर लें, समझिए आपकी जिंदगी बन गई दोस्तों। दूसरा आपको जिंदगी में कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अनार की जड़ दोस्तों आपको लेना है ज्येष्ठा नक्षत्र में, खजूर का बांदा आपको लेना है मूल नक्षत्र में, और पूर्वा का बांदा आपको लेना है पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में, ठीक है। यदि आप इस प्रोसीजर को तीनों ही नक्षत्रों का इंतजार कर सकते हैं तो आप तीनों ही नक्षत्रों का इंतजार करें कि उसी नक्षत्र में आप इन तीनों चीज़ों को लेकर के आएँ,
और उसके बाद आप उन्हें रेड कपड़े में रैप करके बांध लें। अन्यथा आप अनार की जड़ को रेड कपड़े में, पुरवा के बांधे को रेड कपड़े में और खजूर के बांधे को येलो कपड़े में रैप करके बांधें। सफलता चरण चूमेगी। बहुत ही साधारण से उपाय हैं दोस्तों। जब भी आप इनमें से कोई भी चीज़ को घर में लेकर के आते हैं, पूजा स्थान में उसे रखें, धूप दीप दिखा दें और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम की एक माला अवश्य ही कर दें। इससे इस बांदे को बहुत ही ताकत मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आप उसे धारण करें। तो करते रहें दोस्तों। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।